थी, अब हम क्लास फोर की क्लास थ्री की करने वाले हैं, बल्कि हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है, उसमें लगभग 7 लाख ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं। लेकिन जब उसकी डेट तय करेंगे, उस डेट से पहले उसको पोर्टल को खोलेंगे और 1 महीने के लिए वो खुलेगा लगभग, और उसके बाद क्योंकि उसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले अपनी योजना बना रहे हैं, और हमने उनको कहा कि अब क्योंकि परीक्षाएं परिणाम आते ही 10वीं के 12वीं के जैसे परीक्षा परिणाम आ जाएंगे, 10वीं को तो अब आई गए समझो, कोई उसका अंतर है नहीं, 12वीं प्लस 2 का जो है वो आने वाला है, तो जैसे आ जाएगा फिर उसके बाद उनकी योजना बना करके टाइम दिया जाएगा कि फॉर्म भरने के लिए टाइम, और फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिंगल एग्जाम ग्रुप डी का सी का बढ़ाएंगे उसको। कुछ लोगों ने तो दोनों फॉर्म भरे अपने सी बी डी भी, कुछ लोगों को जिनकी हायर एजुकेशन थी वो अपना केवल सी का भरा, डी का नहीं भरा, जिनकी लोअर एजुकेशन थी केवल डी का भरा, उसी का भर ही नहीं सकते थे। और इसमें हरियाणा के लोग लगभग अभी तक जो भरे गए 99% लोग हरियाणा के हैं, 1% आगे बाहर का है, 7 लाख में से 8,000 एप्लीकेशन ऐसी है जो हरियाणा के बाहर की।